नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। नीतीश कुमार के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। नीतीश कुमार यह कहना चाहते थे कि 2004 में यूपीए सरकार बनने के बाद पटना का विकास हुआ, वह आरजेडी के शासनकाल के बारे में नहीं बोल रहे थे। ये कहना है आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का। इतना ही नहीं, शक्ति यादव ने जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। शक्ति यादव ने कहा है कि आरजेडी का शासनकाल सामाजिक न्याय का स्वर्णिम काल था। इस दौरान प्रशांत किशोर के बयान को लेकर के सवाल किए जाने पर शक्ति यादव ने कहा कि उनके बयानों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, वह व्यापारी हैं, नेता नहीं, सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन में रहेंगे और बने रहेंगे। महागठबंधन सरकार बिहार के विकास के लिए मजबूती से काम कर रही है। विपक्ष के लोग भी राज्यसभा लोकसभा में उपाध्यक्ष टिप्पणी चेयरमैन के पदों पर रह चुके हैं। क्या यह सब प्रशांत किशोर को नहीं पता है? वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के उस बयान पर कि नीतीश कुमार बिहार के हित में पाला बदलते हैं तो वो उसका स्वागत करेंगे। इस पर शक्ति यादव ने कहा कि मांझी क्या बोलते हैं इससे हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है, उन पर उम्र हावी हो गई है, वे बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ भी बोलते हैं बयान देकर भी भूल जाते हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान जो कहा था वो इशारों इशारों में जंगल राज का ही जिक्र था। नीतीश कुमार ने कहा था कि भूलिएगा मत, पहले क्या हाल था, पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था क्या, शाम होते होते सब कुछ बंद रहता था। आजकल देख ही रहे हैं कितना ज्यादा विकास हुआ है। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सामने ही बैठे थे। यह बयान उस समय आया जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। वह राज्यसभा के उपसभापति व जेडीयू सांसद हरिवंश सिंह के जरिए बीजेपी के साथ संपर्क में है। इतना ही नहीं, पीके ने नीतीश कुमार को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर आप में हिम्मत है तो हरिवंश सिंह से इस्तीफा लेकर दिखाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।